Why All India Bar Examination has to be conducted for law graduates? एक All India Bar Examination जो का जो exam होता है वो क्यों conduct कराया जाता है law graduates के लिए कि आप advocate बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, ऐसा क्यों conduct करवाया जाता है? आज इस video के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा doubt इस point of view के ऊपर clear करूंगा। आप इस video को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी law students हैं उन सभी लोगों के लिए तो ये informative video जरूर रहेगी। अगर आप CLAT की preparation करना चाहते हो, CLAT का exam निकालना चाहते हो, तो आपको Unacademy की तरफ से जो CLAT का course दिया जा रहा है वो आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें फायदा है। आप कहीं भी और कभी भी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, लाइव क्लास देख सकते हो। आपको एग्जाम को निकालने की स्ट्रेटजीज आप खुद क्लैट के टॉपर्स से पूछो, आप खुद एनएलयू की फैकल्टीज से सीखो। साथ ही में अनलिमिटेड क्विज करने का आपको मौका दिया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने के मौका दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में प्रॉपर डिस्कशन भी होता है। विजय भव नाम से क्लैट का फुल पैकेज आपको दिया जा रहा है एक साल का, जिसमें आप अगर क्लैट 2022 की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये कोर्स ज्वाइन जरूर करना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज में इवनिंग बैच चलेगा जिसमें आपको इंग्लिश लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जीके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जस्ट जस्टिस 1.0 के नाम से एक दूसरा बैच चालू हो रहा है अनअकैडमी पे 2023 के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हो, इवनिंग बैच चलेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, जिसमें सेम आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस और आपको स्ट्रेटजीज भी सिखाई जाएंगी। डिस्कशन होगा कि आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है। रैंकर्स बैच भी 30 डेज का हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपका लॉन्च हो रहा है 2 जुलाई से, आपको ये भी ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही में नेशनल मॉक टेस्ट सीरीज क्लैट के 2021 के लिए भी एक बैच चालू हो रहा है 2 जुलाई से। आपको इवनिंग बैच मिलेगा इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेजेस में, आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। 30 डेज का पूरा प्रॉपर बैच चलेगा। अगर फाइनली आप प्लान करना ही चाहते हो तो 3 महीने के साथ आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, 12 महीने के साथ 2 मंथ्स फ्री मिलेगा, 24 मंथ्स 24 महीने के साथ आपको 3 महीने का 3 मंथ्स का फ्री मिलेगा। और आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं क्लैट के कोर्स के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके अपने प्लान को बुक करो। और साथ ही में हर रोज 6 बजे 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस आपको 30 मार्क्स के दिए जाते हैं, आप वो भी ज्वाइन हो सकते हो। चैंपियनशिप मॉक फॉर क्लैट 2021 के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। स्कॉलरशिप पाने का आप ट्राई कर सकते हो। साथ ही में आपकी स्क्रीन के ऊपर प्राइजेस शो हो रहे हैं। डिस्काउंट के लिए एडिशनल 10% के लिए आपको कोड यूज करना है SLG10 का। सबसे पहली बात आती है कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको एडवोकेट बनना है, आपको कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी है, आपको कोई भी कोर्ट के अंदर केस लड़ना है या अपने आप को एज एन एडवोकेट के तौर पर देखना है, अपने नाम के आगे एडवोकेट लगाना है, पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट के आगे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो क्लियर करना ही पड़ेगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को जो 15 टाइम होता था उस 15 टाइम तक और उससे पहले तक क्या हुआ करता था कि आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, आपके पास कोई नोट्स है, आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है, साथ ही में आप बेरक्स हैं, सभी चीज आप ले जा सकते थे अपने एग्जाम को देने के लिए, क्लियर करने के लिए। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको कोई क्वेश्चन आपके सामने है, आप स्टडी मटेरियल खोलो, रेफरेंस बुक्स खोलो, कोई भी अदर बुक्स खोलो, बेरेक्स खोलो, उस आंसर का जवाब जानने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जब रिजल्ट शो होता है वहां पर मार्क्स शो नहीं होते, बस फेल हो या पास हो सिर्फ क्लियर तौर पर यह शो होता है। तो यहां पर मार्क्स जितने मर्जी आए आपको पास होना जरूरी है अगर आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से यह मानना है कि अगर कोई भी लॉ ग्रेजुएट है जो अपने 5 साल की लॉ करके आया है, जिसको हम BLLB बोलते हैं, BBLLB बोलते हैं, और कोई बच्चा जो है 3 साल के LLB करके आया है, जिसको हम LLB बोलते हैं, कोई भी अपनी LLB करके आया है, तो उसको जो है बार काउंसिल की तरफ से जो कंडक्ट कराया जाता है AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, वो देना जरूरी है। क्यों देना जरूरी है भाई? आपको देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी लीगल एक्सपर्टीज चेक करने के लिए, लीगल नॉलेज चेक करने के लिए कि क्या बच्चा जो LLB देके आया है उसने अपने लॉ के दिनों में लॉ कॉलेज के अंदर क्या पढ़ाई करी है या नहीं करी है, उसको ये पता है कि एडवोकेट के क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, एडवोकेट्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, एडवोकेट्स का क्या क्या काम होता है, क्या कानून जो बताया गया था LLB के अंदर जो पढ़ाया गया था क्या बच्चे को आता है या नहीं आता है। अगर आपको आता है तो आपको डरने की क्या जरूरत, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर बैठने के लिए क्या आपको डरने की क्या जरूरत देने के लिए? बिल्कुल देव निडर होके, आपको जब पता है कि अगर आपको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए एज एन एडवोकेट के तौर पे, तो आपको जो है COP लेनी पड़ेगी। COP जब भी मिलेगी जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर करोगे, तो आपको इस चीज के तो सोचना ही नहीं चाहिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIBE का एग्जाम जो कंडक्ट कराता क्यों है। अब कंडक्ट कराए या ना कराए ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के
रूल्स की तरफ से जो एक तरीके से पैटर्न है वो फॉलो हमें करना पड़ेगा। क्यों? हम एक एडवोकेट बनने जा रहे हैं, हम अभी लॉ ग्रेजुएट है। अगर हमारे को एडवोकेट बनना है तो हमारे को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स जो बनाए गए हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, यही हमारा इंडिया के अंदर एक रूल है। तो ऐसे केस के अंदर AIB की एग्जाम क्लियर करके अगर हमारे को एडवोकेसी की प्रैक्टिस चाहिए तो ये हमारे को देना ही पड़ेगा। आप भले इसको अपोज करो, भले इसको फेवर में करो, आपको जो मर्जी समझना है समझो, बट ये एक पॉजिटिव मेथड है एक बच्चे को जांचने के लिए कि हमारे जो लीगल प्रोफेशन है, जो हमारी लीगल प्रोफेशन की डिग्निटी है उसको बचा के रखने के लिए, कि हमें जो है ना क्रीम लोग चाहिए, हमें जो है पढ़े लिखे लोग चाहिए, हमें जो वकील हैं उनको कानून पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये एक टेस्ट होता है किसी भी पर्सन को जानने के लिए, क्या ये अच्छा वकील बन सकता है, क्या ये अच्छा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बन सकता है। एग्जाम क्लियर करेगा तो ये माना जाएगा कि हाँ ये अच्छा वकील है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है लीगल प्रोफेशन की डिग्निटी को बचाने के लिए, जो AIB की तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एक अच्छा एक क्रीम एक अच्छा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनाने के लिए, तभी AIB जो है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ऐसी मेरी अजम्पशन है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो आपको क्या डाउट है, आपका क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।